कुछ नया कर कुछ नया करते कुछ हैं नया करते। कुछ तूफानी करते हैं। <laughs> <laughs> मित्र क्या बोले अब वो पार्टनर ही है जी जी इनका खेत है और कुछ रे, रेगा पे लिए हैं, जी ऐसे करके चालू किए हैं है ना अब इसमें ज्यादा बेसल वेसल तो दिए नहीं है तीसरा था तो जी है ना बेसल का यूज किया है ड्रिप ड्रिप से से ही जो एप्लीकेशन करना था दिए कुछ जैविक चलाए जैविक में जीवामृत हो गया पी एस कल्चर मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना है गवर्नमेंट जो देता है जी उसको पूरा इसमें यूज किए हैं नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथ अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ एक बेहतरीन किसान से जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी को छोड़ कर के अपने दोस्तों के साथ जिनका यह फील्ड देख पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर उन्होंने भी खेती शुरू करी हुई है तो अभी वह किस तरह से उनका खेती में आना हुआ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केले की खेती को ही उन्होंने क्यों चुना उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही ये जो देख पा रहे हैं ये क्रॉप जो हमारी पहली क्रॉप है उसके बाद फिर मैं आपको पूरी तो तीसरी क्रॉप में इनको किस तरह से प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इनकी स्टोरी को देखेंगे कि किस नमस्कार दर्शकों मेरा नाम वेद प्रकाश मंडावी है और मैं दो साल पहले खेती में आया हूँ जी। है ना उसके पहले मैं नौकरी करता था जी करीब करीब चौदह पंद्रह साल मैं इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया जी है ना और डिपार्टमेंट हेड बना फिर घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आई तो फिर मूड ही चेंज हो गया कि नहीं भाई अब क्योंकि समय नहीं दे पाता था मैं जी है ना समय नहीं हो पाता था फैमिली के लिए टाइम नहीं हो पाता था बोले चलो कुछ अलग किया जाए जी। और उस फील्ड से हटके फिर खेती में आने का ओके जी उसको परंपरागत खेती को छोड़ करके की अच्छा, किया अच्छा, मैं। अलग, अलग, अच्छा, अलग अलग खेती किया धान का भी किया था शुरू अच्छा, में हाँ शुरू किया था तो उसमें फिर देखा कि वाटर का यूज ज्यादा होता है पानी का खपत बहुत ज्यादा है धान की खेती में है ना और केला के खेती में सारा सिस्टम लगने के बाद क्या है केला को एक्चुअली ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ता केला को लिमिटेड पानी चाहिए के, केला में कीचड़ नहीं होना चाहिए लेकिन जे। पानी सफिशेंट चाहिए पानी। उसको तो दो घंटा तीन दो दिन भर में दो घंटा तीन घंटा चलाने से केले में हो जाता है काम हाँ पानी का बचत बहुत होता है केले में जी। तो इस तरह से फिर आपने केले हाँ, की के के खेती को चुना और अभी से हाँ, करते हुए आ रहे हैं हाँ। तो दोस्तों इनकी जो केले की फार्मिंग है हाँ, उसमें इन्होंने जो है भाई ये तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्रॉप है ये इसके बाद फिर वहाँ पर जो तीन क्रॉप उसमें ले चुके हैं तीसरा चल रहा है और लास्ट है आज लास्ट कटिंग है तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से उसमें से बंच निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे बंच का क्वालिटी अच्छा रहता है लेकिन उसको व्यापारी लोग पसंद नहीं करते या व्यापारी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं है ना कि भाई क्वालिटी सही नहीं है जबकि फर्स्ट से ज्यादा थर्ड का क्वालिटी है लेकिन रेट नहीं देते क्योंकि भाई हम किसान को क्या है रेट ज्यादा मिलेगा तभी फायदा है ना रेट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फिर खेती करके जी। ऐसा है जी। तो सर से हम अभी वीडियो में जानेंगे थोड़ी सी गले की खेती के बारे में भी जान लेंगे क्योंकि नए फार्मर्स जो होते हैं वो उनका इंटरेस्ट होता है उनकी लर्निंग माइंड होती है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और दूसरों को समझा पाते हैं तो अभी जो नए फार्मर आने वाले हैं यदि वो गले की खेती करते हैं या फिर फार्मिंग में आना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है सर की इन्फॉर्मेशन तो सर से हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलेंगे मेरे पार्टनर हैं जी जितेंद कुमार वर्मा जी ग्राम कोड़िया से जी तो अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे भैया और केले की फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे Uh, मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है जी और मैं इसी गांव का कोडिया का रहने ही वाला हूं जी हम लोग जॉब करते थे पहले जी फिर जॉब करते करते हम लोगों को बोर लगने लग गया जी बस वही रोज, रोज, का, का, रोज, का रूटीन। रोज का रूटीन है इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है थोड़ा सा वो चाहिए था लाइफ में, में चेंज चाहिए था तो फिर ऐसे ही एक दिन भैया कॉल किए क्या कर रहे हो ऐसा करके बातों बातों में ही हम लोगों का मूड बन गया कि चलो जो आप छोड़ते हैं कुछ नया कर कुछ हैं नया करते जी। हैं। कुछ तूफानी करते हैं। <laughs> चलो ऐसा खेती ही करते हैं जी ऐसा करके फिर हम लोग दोनों खेती में ही आ गए और तब से अभी तीन साल चार साल हो गया हम लोगों को खेती में पूरा डूब चुके हैं तो दोस्तों जैसे कि हमने इसमें बात करी खाद के सेक्शन में तो खाद में जैसे कि हमने बात किया कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि हमारी फसल जो है काफ़ी लंबी चलती है तो लंबी चलने की वजह से इसमें हमको टिकाऊ खाद देने की आवश्यकता होती है तो इसमें हम जो है ऑर्गेनिक खाद में जैसे कि हम गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट यदि हमारे नियर में अवेलेबल है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें जा सकते हैं ग्रीन लीप में जो कि काफ़ी बेहतरीन और हंड्रेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान होता है यदि हम केले की खेती में बात करें तो प्रति एकड़ इसको हमको जो है वह 250 सौ लगभग खाद को हमको इस्तेमाल करना होता है जिसका इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिक हम फर्टिलाइजर डालते हैं ये प्लांट न्यूट्रेंट जो होते हैं हमारे सॉइल न्यूट्रेंट्स होती हैं उसको जाती है फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करते हैं इस तरह से वो हमारी जो एक साइकिल होती है उसके द्वारा हमारे प्लांट को अवेलेबल होती है जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी टिकाऊ होती है और काफ़ी असरदार होती है हमारे पौधों के लिए यदि आप जो है इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पर आप जा सकते हैं डायरेक्ट एहन से कॉन्टेक्ट कर पाते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा डिटेल है वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले आपने कहीं प्रशिक्षण लिया फिर किस तरह से आपको केले की जानकारी मतलब खेती की जानकारी कैसे लगी आपको उसके बारे में बताएंगे अब एक मित्र है चंदन कुमार चंदन चंदनिया जी है ना वो कुछ गाइड किए फिर यूट्यूब से देखे जी है ना भी किसान को फॉलो किए कुछ मतलब यूट्यूब में हाँ। सीखने के लिए बहुत कुछ है जी। अब उसको क्या है जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ सीख नहीं सकते और केले के का खेती ऐसा है जिस दिन आप फील्ड पे काम करेंगे उस दिन से ही आपका मतलब स्टार्ट होता है सीखने का जी तो हम लोग ने धीरे धीरे बहुत सारी गलतियाँ किए और धीरे धीरे करके फिर सीखे जी अब जब अब जो आप खेती करेंगे वो नए सिरे से करेंगे तो वो बेटर करेंगे और जी तो किसान भाई सबसे पहले हम वीडियो में जान लेते हैं कि आखिरकार किसान भाई ने फील्ड प्रिपरेशन किस तरह से किया हुआ है जमीन का चयन किस तरह से किया है और इसमें जो है रोड टू रोड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस उन्होंने किस तरह से रखा हुआ है बताएंगे जमीन का तैयारी हुआ पहले तो पूरा खेत था मेड़ वाला जी है ना उसमें पूरा प्लांट मतलब प्लाटिंग किए पूरा जी है ना प्लाटिंग किए खेत का तैयारी मतलब वो पूरा पलाऊ उलाऊ चला के पूरा खेत को प्लाटिंग करवा के फिर मांदा खिंचवा के ऐसा तैयार किए जी और इसमें फिर जैसे कि आपने बेड बनाया हुआ है तो बेड से बेट की डिस्टेंस क्या रखी हुई है बेड से बेड का दूरी अभी पाँच फीट है जी है ना और पौधे का पौधे से पौधे का दूरी पाँच बाई सात में है जी जिक जेक में लगा हुआ है अभी फिलहाल जी है ना अभी जो और नया तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा वो नए सिरे से और करेंगे तो उसमें मांदा से मांदा का दूरी सात फिट और पौधे से पौधे का दूरी पांच फीट जी ये नया ये तो ऐसा हाँ डिफरेंस हाँ। क्यों हो रहा है सर ये क्या है कि ड्रिप का डिस्टेंस बढ़ जाएगा जी है ना और ये जो सात फीट का जो पौधे का डिस्टेंस जो आ रहा है तो उसमें दूरी ज्यादा हो जा रहा है और पानी का खपत मेरा ज्यादा हो रहा है जी है ना उसको मेंटेन करने के लिए मादा सात फीट कर दिए हैं और पौधा पांच बाई पांच में करेंगे ताकि सफिस पानी का यूज हो जाए यूटिलाईज हो सके जी ये पौधा है इसके दोनों साइड रखेंगे दोनों साइड ड्रिप रहेंगे जी तो इसमें फिर टा, टा, टाइमिंग तो कम चलाएंगे लेकिन हाँ पानी आ, कम समय में ज्यादा पानी देंगे ताकि जल्दी से जल्दी प्लॉट में पानी जी। तो अभी हम वेरायटी के बारे में बात करेंगे सर ये कौन सी वेरायटी है ये जी जी हाँ। है तो पौधे कहाँ से लेकर मतलब हमारे छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से है

तरीके से करना है जी इसमें जैसे कि काफी आंधी तूफान भी आई थी और जैसे कि होता है जी, तो वो कटने के बाद ए, ए, सब अपना अपना घेरा खोल दिए थे जी है ना तो पूरा जानवर लोग आ गए और एक बार पूरा खा गए हैं उसके बाद भी इतना अच्छा क्वालिटी है इसी वजह से लेट हो गया इसी वजह से लेट हो गया जी तो अभी जैसे कि इसमें अभी कर, जैसे बंच आपने बेचना शुरू कर दिया है जैसे हाँ म, हाँ गाड़ी लग ही चुकी है हाँ हाँ तो इसमें किस तरह से प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है आपको प्रोडक्शन तो बढ़, बहुत बढ़िया है जी मतलब एक एवरेज ही मान के चलते हैं पर एकड़ पच्चीस टन करीब जी है ना नाजर खाद और इसमें किसी प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिल जाती है क्या मतलब तीन टाइम बेसल देते हैं बेसल डोज बेसलडो बेसलडोस जी है ना और पौधा लगाते हैं उस समय कुछ कुछ ड्रिंचिंग रहता है जी है ना उन्नीस uh, उन्नीस का स्प्रे हो गया जी है ना ये सब ताकि पौधा जल्दी से ग्रोथ करे और अभी तीन दिन जो चलता है उसको आ, uh, तीन, ती, तीन महीने तक तीस दिन साठ दिन और नब्बे दिन में बेसल देते हैं डी ए पी कौन? यूरिया पोटास जी है ना और उसके साथ माइक्रोन्यूट्रेंट देते हैं और फिर और जो डालना है डाल लो ऐसे <laughs> जी तो इसमें मुख्य खाद क्या ध्यान रखनी होती है जो एन मेन एनपी का जी एन जो है वो इसमें वो मेन है बाकी फिर थोड़ा बहुत जैसे जरूरत पड़ता है तो ड्रिप में चलाते हैं ड्रिप अप्लाई और जनरली पोटास का ही जरूरत पड़ता है फल फ्लावरिंग स्टेज में जब आता है तो जी और इसमें जैसे कुछ बीमारियां भी देखने को मिलती होंगी जनरली केले में बीमारी बहुत कम आता है जी है ना उसके लिए क्या है हर महीने फंगीस आईड चलाओ ड्रिप से है ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर कोई बीमारी नहीं आना है और शुरू में कुछ कीड़ा आता है लेकिन वो उतना हार्मफुल नहीं रहता जी तो हम लोग तो ज्यादा स्प्रे स्प्रे का उपयोग करते ही नहीं है जी और इसमें जैसे इसमें मतलब बीमारी कुछ स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती बंच हमारे जरूरत नहीं है एक्चुअली क्या है बरसात और वरसात का जब समय रहता है ठंड का समय रहता है तो कीट होता है जी तो एक्चुअली क्या है अपने को यही छत्तीसगढ़ में बेचना है लोकल मार्केट में और रेट भी बाहर से अच्छा अपेक्षा यही लोकल में मिल जाता है जी तो ज्यादा फिर खर्च करने से कोई मतलब नहीं है सही कहा भाई जितना जितना अपने को जरूरत है अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो तो ऐसे भी नहीं लेके जाते वो सब्जी मंडी में चले जाता है जी तो अभी यहाँ पर जैसे कि और क्या क्या देखने को मिल सकती है समस्या क्या देखने को मिलती है उसके बारे में बताएंगे समस्या तो ज्यादा कुछ आता नहीं है वैसे जी। जी। जैसे इसमें आपने बंधाई करके रखी हुई है हाँ ये हवा हवा से बचाने के लिए या लोड जैसे हो गया है तो ये सेफ्टी पर्पज से पहले ही बांध दिए रहते हैं जी है ना ये पैकिंग पैकिंग पट्टी बोलते हैं इसको जी है ना उससे सपोर्ट सिस्टम क्योंकि आंधी तूफान आया तो मेरा ओवरऑल मेरे ख्याल से 25 या 30 पेड़ बस गिरा है जी वो भी किनारे किनारे हाँ, किनारे सामने सामने का बाकी अंदर का तो ठीक है अंदर का कोई इशू नहीं आया है हाँ। तो दोस्तों अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है सर का तीसरा वाला क्रॉप है जहां पर इन्होंने तीसरी फसल यहाँ पर लेके रखी है केले की तो अभी इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे सर से कि इसको किस तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और इसमें हमको प्रोडक्शन किस तरह से जो है अच्छा निकाल पाते हैं हमारे किसान भाई उसके बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे तो सर ये जो तीसरा क्रॉप हम देख पा रहे हैं इसकी आज हार्वेस्टिंग हमारी चलने वाली है जी तो इसकी टीपी आपने कब की थी जब इसकी शुरुआत टीपी मेरा तीन साल पहले ये भी फरवरी में फरवरी में हुआ था जी हाँ फरवरी में ही किया था तो इसको लंबा चलाने के लिए मेंटेनेंस मेंटेनेंस क्या क्या लगता आ, है है उसके बारे में बताएंगे पानी प्रॉपर पानी का प्लानिंग है जी है ना अब इसमें ज्यादा बेसल वेसल तो दिए नहीं है तीसरा था तो जी है ना बेसल का यूज किया है ड्रिप ड्रिप से से ही जो एप्लीकेशन करना था दिए कुछ जैविक चलाए जैविक में जीवामृत हो गया और पी कल्चर मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना है गवर्नमेंट जो देता है जी उसको पूरा इसमें यूज किए हैं तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा क्रॉप है जी तो इसके बंज भी देख पा रहे हैं हमारे काफी अच्छे देखने को हाँ, मिल रहे बंच, हैं बंज का क्वालिटी तीसरे के हिसाब से बंज हाँ। काफी अच्छे हैं तो अभी हम इसमें रेट की वजह से के बात करें इसको व्यापारी किस तरह से खरीदते हैं क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा उसका है।, है कि अब क्रॉप उनको पता रहता है फील्ड में घूम के कि भाई ये कौन सा साल का है तो फिर लोग रेट कम कर देते हैं मतलब मार्जिन क्या है दो से तीन रुपए का मार्जिन डिफरेंस आ जाता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत आता है और फर्स्ट और सेकंड में तो वो लोग टॉप के हिसाब से ही देते हैं रेट जी अभी जैसे कि मार्केट में क्या रेट मिल पा रहा है जैसे कि हमारे आज गाड़ी फिलहाल तो बहुत डाउन है मार्केट इस समय है ना नए केले का ही ग्यारह बारह ऐसे ही चल रहा है और पुराने का आठ नौ ऐसे ही जी है इतना डिफरेंस आ रहा है तो इसमें जैसे कि हम पर एकड़ में बात करें सर इसमें हमारे कितने पौधे लग जाते हैं इसमें लगभग पर एकड़ में मैं जैसे पाँच बाई सात में है तो बारह सौ पचास पौधा पर एकड़ में लगता है जी और जैसे कि आपने इसमें प्रोडक्शन बताया जो लगभग हाँ ज्यादा भी आता है वो एक एवरेज बता देते हैं कि भाई पच्चीस टन पर एकड़ का है और वो बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत घट भी सकता है क्योंकि क्या होता है जैसे नया प्लांटेशन नया प्लाटिंग किए रहोगे जी तो ऊपर का मिट्टी फर्टाइल रहता है और नीचे का मिट्टी अनफर्टाइल हो जाता है तो नीचे थोड़ा सा वेट कम आता है जी जी है ना तो लेकिन आ, क्या है अब उसको हमको लेना है तो पूरा प्लाट एवरेज लेते हैं जी अब मैं बोलूंगा कि मेरा एक 40 किलो 50 किलो का आया है तो कोई 15 किलो का भी आया किलो है, किलो नीचे है का नीचे जी आ, तो इसलिए एवरेज ही बताते हैं एवरेज ही है। जी और इसमें खर्च क्या आ जाता है सर इसमें जैसे कि आ, इसमें खर्च, की खर्च एक मोटा मोटी मान जैसे नया करोगे ना जी पर एकड़ एक लाख रुपया खर्च आ जाता है लगभग तो किसान भाइयों आपने वीडियो में देखा दो दोस्तों का स्ट्रगल जिन्होंने साथ में नौकरी करी फिर नौकरी को छोड़ कर के अपने खुद के खेती में जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं केले की खेती करी पहले उन्होंने धान की खेती करी जिसमें उनको उतना बेनिफिट नहीं देखने को मिला पानी के लॉसेस होते हैं उसको देखने को मिले तो एक इंजीनियर जो होता है वह सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है और यहाँ पर उन्होंने जो है खेल केले की खेती को चुना जिसमें उनको कम वर्क करना पड़ रहा है और इसमें हमको प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिल जा रहा है तो इस तरह से उन्होंने केले की खेती को चुना और इसमें जो है वह अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं और एरिया को बढ़ाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस तरह से इनकी जो खेती के तरीके हैं वो आप लोगों को कैसे लगे मुझे तो काफी बेहतरीन लगे आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए के लिए आपको करना यह होगा कि नीचे सब्सक्राइब बटन होगा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए जल्दी मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत